नमस्ते सभी दर्शकों, आप सभी को स्वागत है इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे। इधर आज हम लोग फरवरी 2022 सीएसआई नेट लाइफ साइंस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सेकंड शिफ्ट से है। ये क्वेश्चन पार्ट बी का है एंड सेल कम्युनिकेशन से है। तो क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज एनओ एक्ट्स एज इंट्रासेलुलर सेकंड मैसेंजर बाय स्टिमुलेटिंग। ये जो एनओ है इन सेल, ये इंट्रा सेलुलर सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता है एंड ये किसको स्टिमुलेट करता है? ऑप्शन वन फॉस्फोडाइस्टरेज नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, ऑप्शन टू ऑप्शन थ्री एडेनिलाइल साइक्लेस एंड ऑप्शन फोर गुआनिलाइल साइक्लेस। तो इसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो देख लेते हैं एंड उसके बाद फिर से इस क्वेश्चन पे आएंगे। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड मेनली GPCR इस पर्टिकुलर सेल कम्युनिकेशन को फॉलो करता है। ये GPCR क्या होता है? ये GPCR होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो इधर जो जी प्रोटीन आ रहा है जो टर्मिनोलॉजी में, और ये जो जी प्रोटीन है ये तीन सब यूनिट में आता है, अल्फा बीटा एंड गामा। ये जो अल्फा सब यूनिट है ये मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड होता है एंड इसके पास GTPase एक्टिविटी होता है। GTPase एक्टिविटी का मतलब क्या है कि GDP को तोड़कर GDP में आना और GDP में कन्वर्ट करना। तो ये जो अल्फा सब यूनिट है ये अल्फा GTP इस मोड में भी प्रेजेंट हो सकता है और अल्फा GDP इस मोड में भी प्रेजेंट हो सकता है। ये जो अल्फा GTP है ये मेनली एक्टिव माना जाता है और एक्टिव स्टेट में रहता है एंड ये जो अल्फा GDP है ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है। एंड ये जो गामा सब यूनिट है ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड रहता है एंड ये जो बीटा सब यूनिट है ये फ्लैंकिंग और फ्लैंक्ड रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, इसका कोई कनेक्शन रहता नहीं है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए लाइगेंड के तरह काम करता है एसिटाइल कोलीन। एसिटाइल कोलीन इधर लाइगेंड के तरह काम करता है जो ब्लड में प्रेजेंट रहता है एंड ये जो एनो सिग्नलिंग है ये मेनली GQ अल्फा इस सबसेट से नियंत्रित होता है। ये GQ अल्फा सबसेट होता क्या है? ये जो जी अल्फा है इसका टोटल 4 सबसेट्स मिलता है इस जी अल्फा का। क्या क्या है? GQ अल्फा मिलता है, GS अल्फा मिलता है, GI अल्फा मिलता है एंड GT अल्फा मिलता है। ये जो GQ अल्फा है ये मेनली IP3 DAC पाथवे को चलाता है। IP3 DAC पाथवे इज गवर्न्ड बाय GQ अल्फा। GS अल्फा मेनली साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट इस पाथवे को गवर्न करता है। साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट पाथवे इज गवर्न्ड बाय GS अल्फा। GI अल्फा मेनली GABA रिसेप्टर पाथवे को गवर्न करता है, दैट मीन्स GABA रिसेप्टर पाथवे इज गवर्न बाय GI अल्फा। GT अल्फा ह्यूमन का जो विजन सिस्टम है, ह्यूमन विजन सिस्टम और एनिमल्स का जो विजन सिस्टम है वो मेनली गवर्न होता है GT अल्फा से। ये जो 4 सबसेट्स मिला है GI अल्फा से, इसमें से एक है GQ अल्फा जो IP3 DAC पाथवे को गवर्न करता है एंड ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग है ये भी GQ अल्फा सबसेट से गवर्न होता है, दैट मींस ये भी IP3 DAC पाथवे से गवर्न होता है। तो कैसे चलता है ये IP3 DAC पाथवे, ये जो एनो सिग्नलिंग पाथवे है कैसे चलता है ये पहले देख लेते हैं। सोचिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन GPCR। ये जो GPCR है इसका 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन मिलता है। इधर आके मिलता है एक लाइगेंड, इधर कुछ भी लाइगेंड सोच लीजिए, अभी ये एनो सिग्नलिंग हम कंसीडर नहीं कर रहे। तो अब जब इधर लाइगेंड आके मिलता है तब क्या होता है, ये जो अल्फा सब यूनिट है इधर इस GPCR से अटैच हो जाता है। इधर आप देख सकते हैं अल्फा सब यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है, गामा सब यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है बट बीटा फ्लैंक्ड है। ये जो अल्फा सब यूनिट अब इस GPCR का इस डोमेन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, लाइगेंड अटैच्ड, ये जो GPCR लाइगेंड अटैच्ड, ये GPCR खुद GEF के तरह काम करता है। ये GEF क्या है? गुआनाइन एक्सचेंज फैक्टर। ये गुआनाइन एक्सचेंज फैक्टर क्या करता है? ये गुआनाइन एक्सचेंज फैक्टर GDP को GTP में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स इधर ये जो अल्फा सब यूनिट है, पहले अल्फा सब यूनिट इन नॉर्मल स्टेट GDP बाउंड स्टेट में रहता है। जब कोई लाइगेंड इस मेम्ब्रेन के साथ और GPCR जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन से इधर आके अगर अटैच होता है
एंड अल्फा अगर इस एक्टिव जीपी सेल्स से कॉन्टेक्ट करता है तो अल्फा सब यूनिट का जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है बाय द जीईएफ एक्टिविटी ऑफ दिस लाइगेंड अटैच्ड रिसेप्टर. नाउ दिस अल्फा सब यूनिट जीटीपी बाउंड स्टेट में जाके इधर रहता है एक पीएलसी दैट इज फॉस्फोलाइपेज सी, इसको जाके अटैच होता है और इसको जाके एक्टिव करता है. तो अब हो गया पीएलसी एक्टिव. अब ये एक्टिव पीएलसी जाके मेम्ब्रेन में ही पीआईपी टू रहता है दैट इज फॉस्फो इनिसिटॉल डाइफॉस्फेट. फॉस्फो इनिसिटॉल डाइफॉस्फेट इसको तोड़ के एक हाइड्रोफोबिक डैग बनाता है एंड एक हाइड्रोफिलिक आईपी थ्री बनाता है. ये आईपी थ्री जाके सेल में रहता है एसईआर. ये जो एसईआर ये कैल्शियम रिच्ड होता है. एसईआर के अंदर बहुत सारा कैल्शियम स्टोर रहता है एंड इधर आके अगर आईपी थ्री इस चैनल में आके अगर अटैच होता है तो आईपी थ्री एक लाइगेंड है एंड ये जो काम करता है लाइगेंड गेटेड कैटायन चैनल के तरह काम करता है एंड इधर से ये कैल्शियम को रिलीज करता है. ये कैल्शियम जाके पीकेसी के साथ अटैच हो जाता है एंड ये पीकेसी जाके मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है. ये पीकेसी प्लस कैल्शियम टू प्लस जाके अटैच हो जाता है. डैग इसके ऊपर काम करके एक्टिव पीकेसी बनाता है जो फर्दर जाके सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है. तो ऐसा चलता है आईपी थ्री डैग पाथवे इन नॉर्मल केस. बट ये जो एनो सिग्नलिंग का पाथवे है अब ये कैसे चलता है ये देख लेते हैं. तो अब आते हैं एनो सिग्नलिंग पाथवे में. एनो सिग्नलिंग पाथवे में ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इधर फिर से एक है जीपीसीआर दैट इज सेवन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन एंड इधर जो लाइगेंड होता है ये होता है एसिटाइल कोलिन. तो अगर इधर एसिटाइल कोलिन इस लाइगेंड के साथ अटैच हो जाता है ये एसिटाइल कोलिन अगर इस रिसेप्टर से अटैच हो जाता है तो ये फिर से अल्फा सब यूनिट गामा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट इस अल्फा सब यूनिट का जीटीपी स्टेट को बनाता है. कौन सा स्टेट को बनाता है दैट इज जीटीपी स्टेट को बनाता है बाय इट्स जीईएफ एक्टिविटी. नाउ दिस अल्फा सब यूनिट दैट इज एक्टिव अल्फा सब यूनिट विद जीटीपी नाउ एक्टिवेट्स पीएलसी. नाउ दिस एक्टिव पीएलसी फर्दर क्लीव पीआईपी टू दैट इज फॉस्फोइनोसिटॉल डाइफॉस्फेट. फॉस्फोइनोसिटॉल डाइफॉस्फेट को तोड़कर ये फिर से हाइड्रोफोबिक एक डैग एंड हाइड्रोफिलिक एक आईपी थ्री को बनाता है. ये जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में एंड उधर जाके कैल्शियम को करता है रिलीज. अब ये कैल्शियम फर्दर जाता है किसके पास. ये कैल्शियम अब जाता है एक नया खिलाड़ी दैट इज कैल्मोड्यूलिन. इधर आता है कैल्मोड्यूलिन. अब ये कैल्शियम एंड कैल्मोड्यूलिन मिलकर कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनाता है. क्या बनाता है कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स. कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स अब ये है नया पार्टिसिपेटर जो करता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एंजाइम को एक्टिवेट. अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एंजाइम ये आर्जिनिन एंड ऑक्सीजन को मिला के बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सिट्रुलिन. अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये एपिथेलियल सेल में हो रहा था. इतना तक एपिथेलियल सेल में हो रहा था. अब ये एनो चला जाएगा मसल सेल में जाके ये फर्दर किसको एक्टिवेट करता है. ये फर्दर एक्टिवेट करता है गुआनाइलाइल साइक्लेस एंजाइम को एक्टिवेट करता है. अब ये गुआनाइलाइल साइक्लेस एंजाइम एक्टिवेट होकर जीटीपी दैट इज गुआनिन ट्राइफॉस्फेट को बनाता है सीजीएमपी दैट इज साइक्लिक गुआनिन मोनोफॉस्फेट. अब ये साइक्लिक गुआनिन मोनोफॉस्फेट और साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट फॉस्फोकाइनेज जी को एक्टिवेट करता है. अब ये एक्टिव पीकेजी क्या करता है. ये एक्टिव पीकेजी मसल को रिलैक्स करता है. कौन सा मसल को रिलैक्स करता है. जो ब्लड वेसल का जो मसल है दैट इज वेसल मसल को रिलैक्स करता है. एंड इसके दौरान क्या होता है वैसोडायलेशन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग का रिजल्ट. अगर सेल में इस सीजीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है तब इधर आता है और नया एक एंजाइम दैट इज सीजीएमपी मीडिएटेड फॉस्फोडाइएस्टरेज. फॉस्फोडाइएस्टरेज आकर क्या करता है ये जो साइक्लिक जीएमपी है इसको 5' जीएमपी में कन्वर्ट करता है. तो ये गया नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग पाथवे. अब आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में क्या चाहा था कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट्स एज इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर बाय स्टिमुलेटिंग. स्टिमुलेट किसको कर रहा है.
ये जो नाइट्रिक एसिड ये फर्दर स्टिमुलेट किसको कर रहा है, फिर से देख लेते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड इधर से जाकर एक्टिव कर रहा है गुआनाइलाइल साइक्लेस को एक्टिव कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन में है फॉस्फोडाइस्टरेस, नो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, इसके लिए ही तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस हो रहा था, एडेनाइलाइल साइक्लेस नॉट एट ऑल, गुआनाइलाइल साइक्लेस। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट विथ ऑप्शन आईडी 720। सो होप दिस क्वेश्चन और दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू गाइस।